हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ख्वाजा साहब की दरगाह को लेकर एक वाद दायर किया, जिसमें उन्होंने दरगाह के अंदर मंदिर होने का दावा किया। इसी को लेकर दरगाह दीवान ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने हिंदू सेना द्वारा किए गए इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं विषैली मानसिकता रखती है और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि दरगाह न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि अन्य धर्मों की भी आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लंगर का आयोजन संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जहां मुल्क की किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि ख्वाजा साहब की दरगाह के अंदर मंदिर बना है। सिर्फ एक किताब के आधार पर ये बात साबित नहीं होती है, ये विषैली मानसिकता उत्पन्न कर रही है। जहां दूसरी ओर उन्होंने सरकार से ऐसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, जानशीन उत्तराधिकारी, आध्यात्मिक प्रमुख सज्जादा नशीन किबला दीवान से, जनरल आबिदीन साहब अजमेर श्री दरगाह से, ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन के बिहाफ पे आपसे मुखातिब हूँ। आज हम सब के बीच में एक बहुत अहम मसला है, जिसके लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। आप लोग आए, तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज के समाचार पत्रों से हमें जानकारी मिली है और अभी हमारे वकीलों से भी हमें जानकारी मिली है के अजमेर न्यायालय में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब के मामले में एक सिविल वाद दायर किया गया है हिंदू सेना नामक संस्था द्वारा। यहाँ पर उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पर शिव मंदिर होने का दावा किया है और विभिन्न प्रकार के दावे किए गए हैं, जिसको मैं ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन की तरफ से सिरे से नकारता हूँ। ये एक विषैली मानसिकता है। हमें पूरे देश को इस पर सोचना होगा कि देश में राजनीति और धार्मिक कट्टरता कितनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि अजमेर जैसी पवित्र स्थल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह, जो हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान और साथ साथ में मुसलमानों के साथ साथ हर धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है, हर धर्म के लोग इसका सम्मान करते हैं, यहाँ हाजिरी देते हैं। ये वो दरगाह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हर साल अली नवाज की उसके मौके पर चादर भेजते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के मौके पे, उनके जन्मदिन के मौके पे यहाँ पर लंगर बना करके बांटा जाता है। तमाम धार्मिक और राजनीतिक लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। लेकिन हिंदू सेना संस्था नामक जो वाद प्रस्तुत किया गया है, वो एक तरह से उनकी विषैली मानसिकता को दर्शाता है। हम सिरे से इसको खारिज करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास की तारीख उठा के देखेंगे तो ऐसी कहीं तारीख मौजूद नहीं कि इस धार्मिक स्थल पे किसी ने उंगली उठाई हो। अजमेर दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह 1192 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से इस दरगाह के अंदर तमाम किस्म के जितने भी राजा रजवाड़े, चाहे वो मुगल हो, मुगलों से पहले तुगलक हों, खिलजी हों, राजपूत राजा हों, यहाँ तक के मराठा भी, सब ने इसमें अपनी अकीदत जाहिर की है, इस दरगाह पे हाजिरी दी है। सबने मान सम्मान की नजर से इस धार्मिक स्थल को देखा है और उनके बाद में अंग्रेजों भी हुकूमत आई, उन्होंने मान सम्मान की नजर से इसको देखा। किसी भी तारीख में, किसी भी इतिहास की पुस्तक में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि यहाँ पर किसी किस्म से भी मंदिर हो या किसी किस्म की पूजा पाठ रही हो। दरगाह के अतराफ में, दरगाह जो 13 बीघा की एक भूमि है, दरगाह एंडोमेंट, उसके अंदर किसी किस्म से आज तक किसी इतिहास की बुक में नहीं है। और जिस एक सिंगल बुक का हवाला दिया जा रहा है, अजमेर हिस्टोरिकल इंट्रोस्पेक्टिव, जो हरबिलास शारदा जी के द्वारा लिखी गई थी, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। हम इसको सिरे से कंडेम करते हैं। जिन झूठे तथ्यों पे, मनगढ़ंत इतिहास पे ये दावा पेश किया गया है, इसको पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, इसकी सामना किया जाएगा और इंशाल्लाह ताला इस दावे को खारिज किया कराया जाएगा।